आई होप यू आर ऑल फाइन। मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। समटाइम ऐसा होता है हम कुछ स्टिच कर रहे होते हैं और हमारी मशीन स्ट्रक कर जाती है, हम परेशान होते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी मशीन वर्किंग में आ जाए। मैं आपको हैंडल व्हील को चला के दिखा रही हूँ। ये देखिए, हैंडल व्हील तो बिल्कुल नहीं हो रहा, स्ट्रक हो जाए पता चल जाता है। अपने वैसे भी हैंडल व्हील को नहीं चलाना होता। अब यहाँ पर जो बिगनर्स होते हैं वो कर जाते हैं पैनिक, हम क्या करें। ये देखिए, ये बिल्कुल भी मेरी मशीन को मैं अगर हिला रही हूँ ना, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से ये बिल्कुल नहीं मूव कर रही। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी मशीन जो है वो ठीक हो जाए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि नीडल्स आपके ऊपर है या नीचे है। अभी मैं स्टार्ट किया था, ये मिस्टेक मेरी थी, नीडल्स मैंने चेंज नहीं की, 14 नंबर की थी और हार्ड कपड़ा स्टिच कर रही थी, 18 नंबर की नहीं लगाई। और मैंने कहा ट्राई करते ना, शुरू में कपड़ा भी नहीं रखा, तो मैंने चेक कर रही थी कि ऐसा होता नहीं होता। तो आपने सबसे पहले फुर्सत में आपने अपना ये जो है ना हमारा बोबन केस, आपने इसको हटाना है। पहले आपने आराम से देख के ना इस तरह से चेक करना है कि वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो वो बाहर आ रहा है, आपने फटाफट से क्या करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ के थ्रेड कटिंग कर लेना है और अपना बोबन केस बाहर निकालना है। अगर बाहर आ रहा है, हमने बोबन केस बाहर निकाल लिया, इसके बाद हमने अपनी मशीन को फिर से चलाना है। हमारी मशीन नहीं मूव करी बिल्कुल भी, तो इसके बाद पैनिक नहीं करना। ये देखें नीचे ये स्क्रू नज़र आ रहे हैं आपको। अगर स्ट्रक हो भी जाते हैं ना, बिगनर्स को मैं यही कहूँगी हैंडल व्हील फिर भी अपना चलाएं, मशीन की टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। अब ये देखें, ये स्टॉपर है ना, ये मैंने ऐसे हटाने हैं, आराम से हट जाएंगे। फिर मैंने इसको ये चीज़ देखें, इतना स्ट्रक हुआ है कि ये चीज़ भी मेरी मूव नहीं कर रही। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना बैडली मशीन जो है वो स्ट्रक हुई है। तो मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रही थी कुछ इस तरह की कंडीशन हो और मैं फर्दर आपको मज़ीद बताऊँ। ये देखिए नहीं हो रहा, तो आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है, ये स्क्रू ड्राइवर ले लेना, थोड़ा मजबूत होना चाहिए इसको। अब मैंने इधर रखना है और हल्का सा आगे की तरफ करना गौर। ये देखें हो गया, स्क्रू ड्राइवर से आपने जस्ट इसको करना है, अंदर वाले हिस्से को बिल्कुल आपने छेड़खानी नहीं करनी। अब फिर आपने हैंडल व्हील को चलाना है जैसा कि मैं चला रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से मैं हैंडल व्हील को थोड़ा सा रोटेट करूँगी और अब ये देखूँगी कि रोटेट हो रहा है। अगर हमारा जो मून है हमारा शटल, तो फिर हम ओके हो गए, वरना हमने इसको आराम से निकाल दें, समटाइम नहीं आता। ये देखिए ये आ रहा है, इसको बाहर निकालें, पहले हम कोशिश करेंगे मूव। यस, अब मूव हो रहा है, गुड। तो हमने ये चीज़ इसकी बाहर निकाल ली है, फैब्रिक जो भी था फ़ौरन से बाहर। अच्छा, अब स्ट्रक होने के मैं वजह बताती हूँ कि क्यों हुई है, फिर स्ट्रक क्यों हुई है। अब मैं ये ताइवान नंबर 6 बैचिंग नंबर का जो है ना हेमिंग फुट यूज़ कर रही थी चादर की फोल्डिंग के लिए। अब बहुत बैडली जो है यहाँ पर, ये देखें कपड़ा फंस गया, यू कैन सी, ये देखें अब वो कपड़ा आगे जा ही नहीं रहा और पीछे से मैं खींच रही थी, तो मशीन की नीडल्स ने इम्बैलेंस होना ही होना था। अब ये देख रहे हैं आप, अब ये जब तक कपड़ा आगे जाएगा नहीं और हम पीछे से खींचेंगे तो हमारी मशीन तो स्ट्रक होगी। तो अक्सर जो कहते हैं रोलिंग फुट हमारा चलता नहीं है, ख़राब नहीं होता, तो आपने जब भी उसको फोल्ड करना है आपने इस चीज़ को देखना होता है, ठीक है। अब मैं इस कपड़े को पहले यहाँ से सेट कर लूँगी ऐसे, और ये आराम से निकल आया और सेफली हो गया कि ये कपड़ा भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। अब इसमें मिस्टेक मशीन की थी या मेरी थी, इसे मिस्टेक ऑब्वियसली सी बात है मेरी है, मैंने कपड़ा ये वाला अपना इसके अंदर बैडली फंसा दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ भी स्टिच कर रहे हो आप पहले ट्राई कर लिया करें, ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ती हैं जब मैं मिस्टेक करती हूँ। तो उसका सलूशन हर चीज़ का होता है बड़ा, तो वो मशीन्स ख़राब नहीं होती हैं, उसकी वर्किंग जो होती है ना वो ख़राब बिल्कुल नहीं होती। अब क्योंकि नीडल मेरी स्ट्रक हो चुकी थी तो इसने कुछ ना कुछ टेढ़ापन आ ही जाना है, तो मैं सबसे पहले इसकी नीडल चेंज करूँगी और फिर अपनी मशीन को वर्किंग में लेके आऊँगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, जब आपकी मशीन स्ट्रक हो तो आपने फटाफट से क्या करना है। स्ट्रकिंग के फौरन बाद इस पार्ट पर आपने ऑयलिंग भी लाजमी करनी है, ये एक से एक ड्रॉप दैट से, ताकि जो स्ट्रक हो रहा है ना पुर्जे हिल जाते हैं तो वो रवानगी में इजीली आ जाए। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये जस्ट ऑफ सॉरी तो बहुत ज़्यादा चला गया कैमरे के देखने के चक्कर में। मशीन को आपने आराम से चला लेना है, एक्स्ट्रा थ्रेड वो मैं हटा लेती हूँ, नीडल को चेंज कर लेती हूँ, फिर इसको मैं वर्किंग पे लेके आऊँगी। अगर आपकी अपर शटल मशीन है और आपने मशीन को चला दिया तो आपकी मशीन ख़राब हो जानी है उसका टाइमिंग को, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रक हुआ फ्रंट मशीन को निकाला, शटल बस फ़ौरन से बाहर निकाल दें, दैट्स इट। ओके जी, तो नीडल हो गई है चेंज, हमारी मशीन वर्किंग के लिए है रेडी। आपके सामने मैं रिवर्स कर रही हूँ, इसकी भी डिटेल में वीडियो आ रही है, आपने ये वाला फूड कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो का वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक।